Case number 06-CF-505, State of Illinois versus Jude Rosario. We, the jury, find the defendant guilty of second-degree murder of Matthew Brody. डेविड कोलमैन हेडली मुंबई अटैक्स को प्लान करने में लश्कर का सबसे खास आदमी। माँ अमेरिकन है और बाप पाकिस्तानी। पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी, लेकिन 2006 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट बना लिया। इस वेस्टर्न नाम की वजह से उसका इंडिया आना जाना आसान हो गया। हिंदी उर्दू अच्छी तरह समझता है, लेकिन लोगों को कहता था कि वो एक अमेरिकन है। हेडली ने मुंबई में टारगेट्स ढूंढे, GPS कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए और कॉन्टेक्ट्स बनाए। अपने हर दौरे के बाद पाकिस्तान जाकर लश्कर को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता रहा, उन जगहों जहां से टेररिस्ट आसानी से घुस सके, अटैक कर सके और वक्त पड़ने पर वापस लौट सके। 2009 में हेडली शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। अब वो शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। हेलो, उस कार्ड ने बताया कि आप भी इंडियन है। US यहां ऐसे आए, मतलब किया क्या? मर्डर। पता है ना कौन है? अमीना खरी का मन करता है जान ले लो उसकी। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज पूरे हफ्ते की ड्यूटी अलॉट होने वाली है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के लिए? वो तो काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पैसे किस काम के मिलते हैं? MP3 player and battery. $90. Next. You Indian? Yeah. What are you in for? Murder. What are you in for? Thank you.
डॉक्टर से बिल्ली जैसी आंखें हैं उसकी। जब भी देखता हूँ ना मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता गुस्से से। वो करे भगवान का इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आप वाला काम हो जाता। ऑर्डर कहाँ ले जा रहे? टेक्सास हाई सिक्योरिटी जेल में। Hey baby, झूठ बोल रहा हूँ। Who's this? उस दिन क्रिकेट मैच के बाद मैं ठीक से बाय नहीं बोल पाया। So sorry, मेरे घर का नंबर यहाँ से लग नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है तो सोचा तुम्हें फोन कर लूँ। क्या काम है? मुझे $100 चाहिए। अभी? ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो प्लीज? वेबसाइट का एड्रेस लिखो। jpay.com, लोकेशन इलिनॉय, शिकागो, आईडी नंबर 24686। हेलो, मेरे पास पैसे नहीं है। शिट। I got a money transfer. For me? Yeah, $200. Sign here. घर वालों ने ऐसा भेजा है? अच्छा है। अच्छा। In the commissary? Yes. Where's the receipt? Plan kya hai? Succinylcholine. Succi kya? Succinylcholine, a quick acting depolarizing paralytic muscle relaxant. Perfect poison hai, jiska na to koi nishan milta hai aur jiska chhota sa dose bhi kafi hota hai. Nikalne ki bhi zarurat nahi. Zuban par touch hote hi asar karna shuru kar deta hai. दुबई में महमूद अल मबू के असैसिनेशन में मोसाद ने इसी का इस्तेमाल किया था। सीसीटीवी कैमरा पे पकड़े गए, वरना कभी पता ना चलता कि वो कैसे मारे। एक मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स लॉक हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक आदमी सांस नहीं ले पाता। अगर ऑक्सीजन ना दी जाए तो आदमी खत्म।
गाइस, हेडली मर गया, हार्ट अटैक। हमारे सूत्रों के अनुसार शिकागो जेल में कल डेविड हेडली की मौत हो गई है। अभी तक शिकागो पुलिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। You have a visitor. I have good news. They found Matthew Brody. They found him? He swam out of the river before the rescue team arrived. So now what? You're a free man. We'll get you out of here by tomorrow. पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा नाम दानियाल खान है, मैं हाई कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ। जी, मैं जान सकती हूँ किस सिलसिले में? मेरे पास साजिद मीर की मौत का इन्फॉर्मेशन है। दिस इज हाई कमिश्नर शहरयार बेग। साजिद मीर का मरना कोई हादसा नहीं है, उसे रॉ ने मारा है। आई वांटेड टू थैंक यू। आई डोंट नीड योर थैंक्स, I just need to know what the hell you've got me into. क्या चाहते हो? इंडियन आर्मी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं पाकिस्तान में लश्कर के लीडर से मिलना चाहता हूँ। जब तुम उनको खुद बता रहे हो कि साजिद मीर को इंडिया ने मारा है, तो एक्सीडेंट्स का दिखावा करने का क्या फायदा हुआ? वो तुम्हारा एविडेंस दुनिया को दिखा के इंडिया की अगेंस्ट केस बना सकते हैं। पिछले 6 साल से पाकिस्तानी अथॉरिटी सारी दुनिया से कह रही है कि साजिद मीर जैसा कोई आदमी है नहीं। अब जो कोई है नहीं, उसे कोई मारेगा कैसे? और हाई कमिश्नर ने क्या कहा? Bloody fool! तुम क्या समझते हो कि मैं लश्कर का मुलाजिम हूँ? मैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हूँ, लश्कर का नुमाइंदा नहीं। आइंदा यहाँ फोन मत करना। तो तुमने रॉ क्यों छोड़ा था? इन बातों का क्या फायदा? I have to go. कहाँ जा रही हो? बेरूत। बेरूत क्यों? तुम बहुत सवाल पूछते हो। हमारे प्रोफेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन के पैसे लगते हैं। Well, मैं तुम्हारे कॉफी के पैसे दे सकता हूँ। सीरियन रेफ्यूजी कैंप्स को हम सिक्योरिटी और मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। सीरिया? उस जंग में तो पाकिस्तान से लश्कर के भी फाइटर शामिल है। एक कप कॉफी के लिए तुम्हें काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। Good luck. Hello, Pakistan High Commission. How may I help you? मैं दानियाल खान बोल रहा हूँ। Okay, hold कीजिए। Sir, वही दानियाल खान का फोन है। कहता मैं नहीं हूँ। Sorry, sir. The High Commissioner is not here at the moment. Thank you. Do you know when? हेलो दानियाल खान। हाँ। साजिद मीर के बारे में क्या जानते हो? साजिद मीर की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मरवाया गया था। तुम्हें किसने कहा कि साजिद मीर मर गए हैं? चलो, साजिद मीर नहीं तो आबिद अंसारी या साजिद माजिद या अबू बारा, इनमें से एक तो जरूर मरा है। मेरे पास प्रूफ है कि उस कमरे में जो आदमी था वो ये सारे नाम इस्तेमाल करता था। देखोगे? लंदन से क्यों फोन कर रहे हो? या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ लो। एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर इंडिया से तुम लोगों को क्यों कॉन्टेक्ट करेगा? अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा।
अपना नंबर दो। लिखो। क्या लगता है फिरोज? सर मुझे तो इस आदमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन उस गैस एक्सप्लोजन में जो मारा गया था वो साजिद मीर था, ये इसको कैसे पता चला? क्या प्रूफ हो सकता है उसके पास? मुझे तो कोई चाल लग रही है हैदर साहब। लेकिन अगर सच कह रहा है तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। और पता लगाओ इसके बारे में। हमसे क्या चाहते हो? मुझे पाकिस्तान आकर लश्कर के हारिस सईद या सबाउद्दीन उमवी से मिलना है। तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। लंदन में हमारे एजेंट हैं, उनसे मिलो और अपना प्रूफ दिखाओ। मुझे तुम्हारे एजेंट से नहीं, लश्कर के लीडर से मिलना है। अफगानिस्तान आओगे? नहीं, वहां इंडियन एजेंट्स बहुत हैं। मैं उनकी नजर में आ सकता हूँ? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक जगह है सीरिया, वहां भी तो लश्कर के लोग हैं। पांच मिनट में फोन करूं। सर सीरिया? सही जगह है, वहां लश्कर के लड़के और हमारे लोग भी हैं। अगर सच कह रहा है तो पाकिस्तान ले आएंगे, अगर झूठ बोल रहा है तो और एक बॉडी सीरिया में कोई नहीं गिनेगा। पहुंचो सीरिया, अकलमंद हो तो लश्कर के लोगों से वहां रब्ता कर लेना। लेकिन